और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राष्ट्रपति भवन पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे सीएम। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर हैं और इस बीच वह राष्ट्रपति भवन भी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली के दौरे पर हैं भजनलाल शर्मा और इस बीच वो राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा इस समय दिल्ली दौरे पे हैं, उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली दौरे पे हैं और इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रपति से मिलने, देखिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी हैं। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात माना जाएगा और इसके बाद जो है राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात है 4:30 बजे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बन करके जयपुर गए थे और वहीं पर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पे मुहर लगी थी, तो राजनाथ सिंह से जो मुलाकात है महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बाद जो है 5:30 बजे जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। इस मुलाकात को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस मुलाकात में जो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे। जो मंत्रिमंडल गठन को लेकर के चर्चा चल रही है, कौन से नाम हैं और जिनको मंत्रिमंडल में शामिल करना है, उन तमाम नामों पर चर्चा की जाएगी और मंत्रिमंडल गठन की लगभग कहा जा सकता है कि प्रक्रिया को पूर्ण विराम देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए मंत्री बनने के दौर में भी कई नाम रेस में चल रहे हैं कि फला आदमी को मंत्री बनाया जा सकता है, फला आदमी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, फला आदमी को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, तो ये तमाम चर्चाएं इस समय दिल्ली में चल रही हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर रहे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और ये शिष्टाचार मुलाकात हो रही है। उसके ठीक बाद जो है राजनाथ सिंह से मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, देखिए मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम होने वाली है और खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा का ये पहला दिल्ली का दौरा भी है। इसके अलावा क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हुआ है जिसका इंतजार भी यहाँ पर किया जा रहा है और आज जो मुलाकातें होनी है दिग्गजों के साथ, बैठकें जो होनी है, तो इससे यही लग रहा है राजीव कि अब मंत्रिमंडल विस्तार का गठन होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, यानी कि सोमवार या मंगलवार को जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं और उनको विभाग भी बांटे जा सकते हैं, ये कोई जानकारी भी आपके पास? बिल्कुल, देखिए यही उम्मीद सभी लोग जता रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और अगर बात किया जाए तो कल सोमवार है और कल भी जो है मुख्यमंत्री दिल्ली में ही रहेंगे जो जानकारी मिल रही है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दिल्ली से बाहर हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली से बाहर हैं, बताया जा रहा है कि ये दोनों बड़े नेता, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, कल दिल्ली में रहेंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ये दोनों लोग, तीनों लोग जो है मुलाकात करेंगे कल प्रधानमंत्री से। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन देखिए जब मुलाकात होगी तो ढेर सारी बातें भी होंगी क्योंकि आपने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की जनता को जो गारंटी दी है उसको कैसे पूरा करना है, तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जो कल चर्चा की जाएगी। तो यही माना जा रहा है इस समय प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं और कल दोपहर तक दिल्ली लौटेंगे और जब दिल्ली लौटेंगे तो उसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि मुलाकात होगी, उसके बाद गृहमंत्री से मुलाकात होगी। जी यानी आपने जिस तरीके से अपडेट दिया राजीव कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अभी देखिए वाराणसी पहुंचे हुए हैं और कल वह दिल्ली लौटेंगे, उसके बाद भजनलाल शर्मा भी उनसे मुलाकात करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री अभी कल तक वहां पर रुकने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर शायद मंत्रिमंडल का जो गठन होना है वो मंगलवार को ही होगा। बिल्कुल, देखिए या तो जो जानकारी मिल रही है अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कल प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से भी मिलेंगे, लिहाजा कल भी वो दिल्ली में बने रहेंगे। कल शाम दोपहर बाद मतलब मुलाकात के बाद जो है जयपुर जा सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ही जो है वो दिल्ली से रवाना होंगे जयपुर के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जहां तक मंत्रिमंडल गठन की बात है तो देखिए, अब दिल्ली से जयपुर जाने के बाद मंगलवार को होता है मंत्रिमंडल का गठन या बुधवार को होता है, क्योंकि आज जो बैठक हो रही है उस बैठक में तमाम वो जो मंत्री बनेंगे जो नाम चर्चा में है उन नामों को चर्चा होनी है राजीव। लेकिन आज का क्या कुछ प्रोग्राम, क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला, क्योंकि अभी देखिए राष्ट्रपति से मुलाकात भी करेंगे, ये मुलाकात कितनी देर चलेगी, उसके बाद वह जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने वाले हैं, आज क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं राजीव? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम सामने आए उसमें देखिए 3:30 बजे का समय था राष्ट्रपति से मिलने का, तो राष्ट्रपति से मुलाकात चल रही है मुख्यमंत्री की और दोनों उप मुख्यमंत्री की। अब इसके बाद जो है मुख्यमंत्री की मुलाकात जो है वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से होगी। 4:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, उसके बाद 5:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे। उनके घर पर एक बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के भी रहने की खबर आ रही है कि वो भी मौजूद रहेंगे, साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा की जाएगी कि तमाम जो बीजेपी में कद्दावर नेता हैं जिनका नाम मंत्री बनने के रेस में चल रहा है, तो इसमें से किसे कौन जिम्मेदारी दी जाए, किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाए, किसे कैबिनेट में रखा जाए, किसे राज्य मंत्री बनाया जाए, तमाम नाम सामने हैं। जैसे किरोड़ी लाल मीणा का नाम सामने चल रहा है, मदन दिलावर का नाम सामने चल रहा है, सिद्धि कुमारी का नाम चल रहा है, बाबा बालकनाथ का नाम चल रहा है, दीप्ति किरण महेश्वरी का नाम चल रहा है, तो तमाम नाम है। अब देखिए किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है और क्या वो नाम जो चर्चा में बने हैं इनको मंत्रिमंडल में रखा जाता है या कोई और नाम सामने आते हैं, तो लगभग वो सारे काम जो है आज पूरे कर लिए जाएंगे आज की बैठक में जो भी जताई जा रही है। क्योंकि आज ये जो बैठक हो रही है, देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री तो दिल्ली दौरे पर ही हैं, साथ ही अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ के भी दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी लोग सभी लोग जो है इस समय दिल्ली में हैं और आज ही सबकी बैठक हो रही है। तो माना जा रहा है तीनों राज्यों के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और साथ ही राजस्थान के तीनों ही मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भी यहाँ पर बुलाया गया है ताकि मंत्री गठन मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सके यहाँ पर। तो राजीव, हम ये भी मान सकते हैं जिस तरीके से तीनों राज्यों में ही उन्होंने जाति समीकरण को साधने की कोशिश की, हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, तो क्या मंत्रियों को जो शपथ दिलाई जानी है उस पर भी जातीय और क्षेत्र के आधार पर देखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए राजनीति में ऐसा होता है क्योंकि अब जिस तरह से जो राजनीति का समीकरण बदल रहा है, आप देखिए कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में देखिए जातिगत राजनीति हावी है कि कौन अपने जाति का बड़ा नेता है, उसी की बात को लोग फॉलो कर रहे हैं। चाहे वो राजस्थान की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, बिहार झारखंड की बात कीजिए, या आपने देखा छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, हर जगह जो है किंग जो है कास्ट किंग लीडर, जो अपने जात का जो लीडर है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसको हर पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है। हर पार्टी में देखिए हर समाज के लोग हैं और इस समय देखा जा रहा है कि आदमी पार्टी का तो नेता होना ही चाहिए बल्कि अपने समाज का भी बड़ा नेता होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे अगर मौका दिया जा रहा है, उसे अगर जिम्मेदारी दी जा रही है तो सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में एक पॉजिटिव मैसेज आएगा और इसी को बीजेपी फॉलो कर रही है। आप देखिए कि जो तीनों मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात कीजिए या राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात कीजिए, तो इसका एक पॉजिटिव पूरे देश भर में मैसेज गया है। तो इसी हिसाब से चूंकि प्रदेश स्तर की यह राजनीति है तो प्रदेश में कौन सी जाति का कौन बड़ा नेता है जो बीजेपी में है तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है और एक एक मत को जो है साधने की कोशिश में बीजेपी है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जातीय समीकरण को बनाते हुए जो है मंत्रिमंडल में वो नाम सामने रखे जाएंगे। जी बिल्कुल राजीव, जानकारी ये भी है कि मध्य प्रदेश में जो 3 बार मंत्री रह चुके हैं, जिनको मौका मिल चुका है, तो क्या इसी फॉर्मूले पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ उस पर अपनाया जाएगा, क्या उनको मौका मिलेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में जानकारी ये भी आई है कि जो मंत्री रह चुके हैं 3 बार, उनको मौका नहीं मिलने वाला है इस बार, तो क्या इसी फॉर्मूले पर बीजेपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मंत्री गठन का ऐलान करेगी? बिल्कुल,
बिल्कुल देखिए, बीजेपी इस समय कहा जा सकता है कि बीजेपी में एक परिवर्तन युग चल रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात कीजिए या मंत्रियों की बात कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो लंबे समय से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायी कार्य को बढ़िया से समझते हैं, तो हो सकता है उनको इस बार मंत्रिमंडल से बाहर रखा जाए। क्योंकि आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जो सेकेंड रो में हमारे लीडर हैं उनको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि विधायी कार्य कैसा होता है, जनसेवा कैसे सरकार में रहकर के जनता की किस तरह से सेवा की जाती है। तो आखिर इनको कब पता चलेगा, जब चुनाव लड़ने को मौका मिलेगा, जब इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, सरकार में जब मजबूत रहेंगे तभी। तो यही वजह है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी इसी फार्मूले को हर जगह इंप्लीमेंट कर रही है कि जो लंबे समय से विधायक हैं और दो बार तीन बार जो मंत्रिमंडल में रहे हैं, हो सकता है कि इस बार वो सामने नाम न आए। और यही वजह है कि देखिए, बीजेपी लगभग तमाम जो युवा चेहरे हैं उनको मौका देने की तैयारी में है, चाहे वो दीप्ति किरण महेश्वरी की बात। बिल्कुल आपने सही कहा राजीव। देखिए, इस बार यही लग रहा है कि जो नया चेहरा है उनको यहाँ पर बीजेपी सामने लेकर आ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, क्योंकि जो तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो नए चेहरे ही उतारे गए हैं। अब राजस्थान में जितने भी सांसद थे जिन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने अपनी सांसदी से इस्तीफा देकर अब वो विधायक बन गए हैं, वो चुनाव जीत भी गए हैं, चार सांसद भी ऐसे रहे हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी इस बार रहने वाली है? बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी इस बार जो सेकेंड रो में जो नेता है उनको फ्रंट पे ला रही है। आने वाले समय के लिए बीजेपी अपने नेताओं को तैयार कर रही है। जो तीनों राज्यों में देखा आपने, जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया सकता आने वाले समय में वो राष्ट्रीय नेता बनेंगे और दिल्ली में बैठेंगे और कमांड संभालेंगे बीजेपी का। बीजेपी ठीक उसी विजन पे काम कर रही है। और जहाँ तक देखिए, जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चाहे रमन सिंह की बात कीजिए जिन्हें वहाँ पे छत्तीसगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, या शिवराज सिंह चौहान की बात कीजिए या वसुंधरा राजे की बात कीजिए, इनको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से रोड मैप तैयार कर रही है। क्योंकि जो सरकार में नहीं है उनकी जरूरत संगठन में है, बीजेपी के बड़े नेता ही कहते हैं। तो क्या संगठन में रख करके बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, या क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है 4 महीने के बाद, तो किस तरह से मतदाताओं को साधना है, किस तरह से लोगों को अवेयर करना है, इसको लेकर बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है। देखिए, 22 और अब इसी बात पर जानकारी दे रहे हैं, 22 और 23 तारीख को दिल्ली में बीजेपी बड़ी बैठक कर रही है, ताकि बीजेपी के कार्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं उसको आम जनता तक कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर के एक रोड मैप तैयार किया जाएगा 2 दिन के बैठक में। तो कहा जा सकता है कि इन चीज़ों में जो है, जो बचे हुए नेता हैं उनको बड़ी भूमिका दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव में क्या कुछ उनकी भूमिका रहेगी यह तय किया जा सकता है। जी, यानी कि राजीव, जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश का फॉर्मूला जो अपनाने वाली है कि 3 बार जो मंत्री रह चुके हैं उनको शायद मौका ना दिया जाए, उनको और जिम्मेदारी दी जाए, और बाकी राजस्थान में जो सांसद चुनाव लड़े थे जो जीत भी गए थे, तो उनको क्या इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा, क्या उनको अलग से जिम्मेदारी दी जाएगी? क्योंकि आपने एक बड़ी अपडेट दी है कि बीजेपी बड़ी बैठक करने वाली है कुछ दिनों में। बिल्कुल देखिए, 22 और 23 तारीख को बीजेपी मुख्यालय में बैठक होनी है, और इस बैठक में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसमें देखिए प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, सभी राज्यों के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, प्रभारी रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद रहेंगे। और इसमें जो देखिए, बीजेपी ने हमेशा यही कहा है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, जो शीर्ष नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, सभी राज्यों में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनके ऊपर उनकी नज़र बनी रहती है। जैसे कि आपने देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहीं भी नाम नहीं चल रहा था मुख्यमंत्री बनने की रेस में, लेकिन अचानक जो है सामने आया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को बनाया जाएगा। इसी तरह से प्रशांत बैरवा जो उप मुख्यमंत्री बने, इनका भी नाम नहीं चल रहा था, दिया कुमारी का थोड़ा बहुत नाम चल रहा था, लेकिन ये जो नाम अचानक आ गए, तो बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं हमेशा वॉच करते हैं कि कौन कार्यकर्ता क्या कुछ कर रहा है, और उसी हिसाब से उसकी जिम्मेदारी तय की जाती है। 2024 का चुनाव भी नजदीक, लेकिन कोशिश बीजेपी की ये है कि ना तो हम नए लोगों को नाराज करेंगे और ना ही जो हमारे जो पुराने लोग हैं उनको भी हम नाराज नहीं करेंगे, यानी सबको अलग अलग जिम्मेदारी यहाँ पर बांट दी जाएगी, ताकि सबको साथ के भी चलना है बीजेपी को। 24 का भी चुनाव नजदीक आने वाला। शुक्रिया आपका राजीव, अधिक जानकारी देने के लिए।